अलग अलग जो आयुर्वेद के विभाग है उसमें से दिनचर्या के विभाग में हम अभी कार्य कर रहे हैं। अभी प्रवचन हमारे जो लेक्चर्स है वो चल रहे हैं, उसमें से सुबह उठने के बाद क्या करना है और उसके बाद उठने के बाद दंत धावन से लेकर स्नान तक की हमने बात देखी सभी। अभी स्नान के तुरंत बाद स्नान करे, स्नान के बाद धूप माने कि कोई अच्छा धूप माने कि धुआं ले, अच्छा धुआं ले माने गुगुल का धूप लेने को बोला है आयुर्वेद ने कि गुगुल है। फिर एक गुगुल के अलावा भी जैसे गाय का गोबर का कंडा है उसको जला कर उसके ऊपर गुगुल का गुगुल डाले, नीम के पत्ते है, फिर इस तरह से सामरानी धूप करके एक साउथ में दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध धूप है वो धूप, ऐसे दो तीन प्रकार के धूप बताए गए हैं, वो धूप का धुआं लेना है तुरंत ही स्नान करने के बाद। तुरंत कपड़े पहनने से पहले तो खुले शरीर पे जाएगा तो बहुत से प्रकार के बैक्टीरिया नाश हो जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। इसलिए हम पहले मंदिर में भी सुबह शाम धूप करते थे, धूप इसलिए करते थे कि वो पूरा का पूरा वातावरण जंतु मुक्त हो जाए, हमको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन न लगे। लेकिन अभी जो केमिकल वाली अगरबत्ती आई है तो उससे तो और रोग बढ़ रहे हैं, हमारे श्वसन तंत्र की बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, एलर्जी जैसे रोग हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें सब सेंट है और धुआं का इतना प्रभाव है कि आयुर्वेद के मतानुसार कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु होते हैं वो धुएं के होते हैं। तो कैंसर भी जो बढ़ रहा है वो डीजल के धुआं बढ़ा इसलिए वो कैंसर बढ़ रहा है। और आयुर्वेद के हिसाब से धुआं अच्छा धुआं लेंगे तो आयुष्य वर्धक है, इसीलिए गुगुल धूप को नित्य आयुष्य वर्धक बताया गया है। तो अच्छा धुआं लेंगे तो आयुष्य को अच्छा करेगा, शरीर को स्वस्थ करेगा, और वही हम गलत धुआं लेंगे तो वही उतना शरीर बिगाड़ेगा। इसके लिए आज के संशोधन में डीएनए करके जी न्यूज एक में एक प्रोग्राम आता है समाचार की तरह, वो न्यूज का एक प्रोग्राम, तो उसमें तो बताया गया अभी अगरबत्ती का वीडियो आया था कि अगरबत्ती लेने से अगरबत्ती जलाने से पैसिव स्मोकिंग की तरह माने कि दो सिगरेट पिए उतना अगरबत्ती का धुआं खतरनाक है, क्योंकि पूरा पैक होता है और अगरबत्ती चलती रहती है। तो केमिकल वाली अगरबत्ती चलाना बंद कर देना चाहिए। कोई भी पवित्र स्थानों में ऐसे सेंटेड धूप, परफ्यूम वाले धूप और अलग अलग केमिकल से बने धूप का उपयोग बंद कर देना चाहिए। अपने घर में भी ऐसे धूप अगरबत्ती बंद करके केवल हम जो दो तीन प्रकार है जैसे आयुर्वेद का गुगुल धूप कर सकते हैं गाय के कंडे में रखकर, हमने एक रोग रक्षक धूप करके बनाया है तो इसमें आप गुगुल और सामरानी सबको अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा, केवल हमारा एक पैकेट बनाया है रोग रक्षक धूप करके, उसमें गाय का घी, गुगुल और ये सामरानी और नीम ये सभी उसमें है। तो इसका प्रयोग करने से वातावरण जंतु मुक्त हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन कम होते हैं, ऐसे बहुत से अनुभव हमने ये धूप से किए। दूसरा अगरबत्ती जो हम आज सेंटेड जलाते हैं और बांबू की स्टिक से जलाते हैं, तो बांबू की स्टिक उपयोग किए बिना हमने सादी वनस्पति की स्टिक लेकर और पूरी की पूरी नेचुरल एक केमिकल से फ्री पूरी नेचुरल एक अगरबत्ती बनाई है, जो रोज अगरबत्ती हमारी जो नेचुरल रोज अगरबत्ती है उसका उपयोग करके हम वो केमिकल वाली अगरबत्ती से जो होते हैं नुकसान उससे बच सकते हैं, तो उसका उपयोग भी चालू कर देना चाहिए। और ये रोग रक्षक धूप या तो आप गूगल धूप या कोई और नेचुरल अगरबत्ती पर आप उपयोग कर सकते हैं, तो हो सके उतना आर्टिफिशियल और केमिकल आइटमों से बचे और धूप वगैरह का उपयोग ज्यादा करें तो हमारा श्वसन तंत्र ठीक रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और धुएं से होने वाले नुकसान हमको नहीं होंगे। तो आयुर्वेद ने पहला बताया कि स्नान के बाद तुरंत ही धूप का सेवन करें, धूप ले, गुगुल का धूप गाय के कंडे में थोड़ा गाय का घी डालकर उसके ऊपर गुगुल, उसके ऊपर या तो नीम के सूखे पत्ते या सामरानी धूप ऐसा कुछ भी धूप डालकर उसका धुआं करे और वो ले, या हमारा रोग रक्षक धूप जो आता है वो उपयोग करे। अगरबत्ती आप जो जनरल केमिकल वाली यूज करते हैं उसके स्थान पर गुलाब की नेचुरल बनी हुई कंडी उपयोग करें, उसमें मधु है, गुआर के गोंद है और गुलाब का पाउडर है, इतना ही उपयोग करके जो कंडी बनाई है उसका उपयोग कर सकते हैं। गांव की भी बहुत सी अगरबत्ती आती है जो गांव कैंडी से बनती है, जो कंडे से बनती है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इतना कहकर
इसलिए अभी स्नान की जो बात है, स्नान के बाद के जो कर्तव्य है उसमें मैं अभी ये धूप सेवन का कर्तव्य पूरा करके आगे हम वापस दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।